बता रहे हैं जहां उमेश पाल हत्याकांड के मामले में माफिया अतीक अहमद पहुंचा सीजीएम कोर्ट। जी हां, प्रयागराज की सीजीएम कोर्ट में पेशी भाई बताया गया। बड़ी खबर इस वक्त की, कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट मांग करेगी पुलिस। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं प्रयागराज से। आपको बता दें जहां प्रयागराज कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। उमेश पाल हत्याकांड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां माफिया अतीक अहमद पहुंचा सीजेएम कोर्ट। प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में होगी पेशी। बड़ी खबर प्रयागराज से, अतीक और भाई अशरफ को भी कोर्ट लाया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट पहुंचे अतीक और अशरफ। कोर्ट में दोनों की रिमांड की मांग करेगी पुलिस। सूत्रों का ऐसा मानना है प्रयागराज कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ी। बड़ी खबर प्रयागराज से जो उमेश पाल हत्याकांड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। माफिया अतीक अहमद पहुंचा सीजेएम कोर्ट। प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में पेशी। अतीक और भाई अशरफ को भी कोर्ट लाया गया। बड़ी खबर इस वक्त की, सीजेएम कोर्ट में लाया गया है अतीक अहमद को। बड़ी खबर आपको प्रयागराज से दे रहे हैं जहां कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचे अतीक और अशरफ। कोर्ट में दोनों की रिमांड की मांग करेगी पुलिस। सूत्रों का ऐसा मानना है उमेश पाल हत्याकांड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। माफिया अतीक अहमद पहुंचा सीजेएम कोर्ट। प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में पेशी। अतीक और भाई अशरफ को भी कोर्ट लाया गया। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको प्रयागराज से जहां कोर्ट में दोनों की रिमांड की मांग करेगी पुलिस। सूत्रों का ऐसा मानना है प्रयागराज कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। प्रयागराज से बड़ी खबर, उमेश पाल हत्याकांड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। माफिया अतीक अहमद पहुंचा सीजेएम कोर्ट।